हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। सो दिस टाइम वी आर हेयर टू एक्सप्लेन द एरा ऑफ ऑल इंग्लिश, द पीरियड ऑफ ऑल इंग्लिश। इट्स अ समरी। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द समरी, बस आपको कह रहा हूँ कि किस किस तरह से क्या हुआ। आप इसको एक बार दिमाग में रख लीजिए, फिर मैं इसके जो ये जो चैप्टर है इसके लास्ट में जितने क्वेश्चंस हैं उसका मैं आंसर आपको लिखवा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो कहानी है शुरू होती है, ये जो इंग्लिश की कहानी है, ये जो सेल्टिक लैंग्वेज है या ये जो एंग्लो सैक्सन्स होते हैं, जर्मेनिक ट्राइब्स होते हैं दोस्तों। ये जो मेनलैंड जो इंग्लैंड है, जो मेनलैंड इंग्लैंड है, इसमें वो लोग यूरोप से जर्मेनिक ट्राइब्स होते हैं, वो यूरोप से आते हैं। लेकिन कब आते हैं? उससे पहले जब रोमन्स इंग्लैंड को छोड़ देते हैं, तब तीन ट्राइब्स वहाँ पे आते हैं। ओके, एंग्लीज होते हैं वो, सैक्सन्स होते हैं और ज्यूट्स, ये तीन ट्राइब होते हैं दोस्तों। ये तीन जो ट्राइब होते हैं वो नॉर्थ सी के रास्ते से इंग्लैंड में घुस जाते हैं। ओके, ठीक है। और ये इनको एक साथ मिला करके एंग्लो सैक्सन्स कहा जाता है। इनको एंग्लिक्स, ओके, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, एंग्लो सैक्सन्स। वैसे दोस्तों, ये जो वर्ड है ANGLO, एंग्लो का मतलब वो इंसान जो इंग्लैंड में रहता है या इंग्लैंड में पैदा हुआ है, उसको हम लोग एंग्लो कहते हैं। तो ये चूँकि सैक्सन्स हैं तो इसको एंग्लो सैक्सन्स के नाम से, तीनों ट्राइब को एंग्लो सैक्सन्स के नाम से जाना जाता है। और इन लोगों ने, एंग्लो सैक्सन्स जो हैं, ये 449 या सिंपली हम कहें 450 ईस्वी से लेकर 1066, जब तक कि नॉर्मन कंक्वेस्ट नहीं हो जाता है, तब तक वो लोग इसमें राज्य करते हैं। ओके, इसके दौर में दोस्तों, चूँकि शुरू में जब ये लोग आते हैं तो चूँकि ये लोग जो अटैकर्स थे, आक्रमणकारी थे, तो वहाँ आकर वो जब सेटल होते हैं तो जो भी है, काफ़ी हतमहवातम के बाद वो लोग वहाँ पीसफुली रहते हैं। तो चूँकि ये लोग इनकी जो पॉलिटिक्स में पकड़ थी तेज़ होती है, तो ये लोग धीरे धीरे वो जो सेवन किंगडम्स बनाते हैं ये लोग, वो अपना पूरा बागडोरी अपने हाथ में ले लेते हैं। और क्या होता है कि इंग्लिश जो है उनका जो लैंग्वेज है, वो जो सेल्टिक लैंग्वेज है, जो आक्रमण करने से पहले जब रोमन्स जब थे, वो लोग चले गए थे, तो वहाँ जो लोग रहते थे, तो उनकी जो भाषा थी उसकी भाषा को ये लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, वो नहीं दे पाते हैं इसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। ओके, वो लोग अपने जो अपना जो उसका जो जो ये है मतलब लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में ही सब कुछ चलता रहता है। चलिए, खैर जो भी है, तो ये जो नॉर्मन कंक्वेस्ट 1066 में जब होता है, तो इससे पहले जो है एक हमारे किंग ग्रेट अल्फ्रेड हैं, ये इनका जो दौर है दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है। इसी पीरियड में इस अल्फ्रेड साहब ने क्या किया था, किंग अल्फ्रेड ने जितने भी मतलब फ्रेंच की किताबें थी उसको ओल्ड इंग्लिश में उसने उसको ट्रांसलेट करवाया था। बार बार से फॉरेन से लोगों को, स्कॉलर्स को मंगा करके, टीचर्स को मंगा करके उसने ऐसा काम किया था। लेकिन जब 1066 ईस्वी में जब नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ, जब फ्रेंच लोग यहाँ पर आ गए, तब यही वो दौर था जब ओल्ड इंग्लिश का दौर ख़त्म हो गया। यहाँ पर उन लोगों ने अपना वर्चस्व कायम किया, वो अपना जो फ्रेंच है वो हर चीज़ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पूरा का पूरा फ्रेंच में चलता था, और जो मासेस थी, जो आम पब्लिक थी, उसकी भाषा सिर्फ रह गई थी इंग्लिश। तो लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ये बढ़ा, इंटर रिलीजियस मैरिजेज, इंटरकास्ट मैरिजेस ज़्यादा होने लगे, तो ये जो बोलचाल की भाषा है ना, ज़्यादा बढ़ने लगी, इंग्लिश बिल्कुल बढ़ने लगा। तो इंग्लिश जब बढ़ने लगा तो एक वक्त ऐसा होता था कि लोग घर पर इंग्लिश बोलते थे, लेकिन जब स्कूल्स वगैरह में जाते थे तो वहाँ वो लोग फ्रेंच बोलते थे। तो ऐसा एक ज़माना आया था किसके बाद, 1066 के बाद, जब नॉर्मन कंक्वेस्ट मतलब फ्रेंच लोगों ने वहाँ आकर आक्रमण किया था, वहाँ इंग्लैंड को जीत लिया था। ओके दोस्तों,
जो ओल्ड इंग्लिश वैसे भी अगर देखा जाए तो इसका जो जो कुछ भी बहुत टफ था, अगर मॉडर्न इंग्लिश से हम उसकी तुलना करें दोस्तों, तो ये ग्रामेटिकली, ये बोलचाल में या ये स्ट्रक्चर में काफ़ी बहुत मतलब टफ, एक उसमें एक जर्मेनिक लैंग्वेज की इसमें वो आती थी, बड़ा टफ था, बड़ा डिफिकल्ट था, है ना। नेचुरल ग्रोथ इसका है ना, जो है ये जो इंग्लिश का है, अल्फ्रेड के ज़माने में तो ये इसका काफ़ी ग्रोथ हुआ, लेकिन जैसे ही नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ उस ज़माने में इस लैंग्वेज का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल करीब करीब रुक सा गया, स्टैंड स्टील थम गया, स्टैंड स्टील सा हो गया, थम गया। ओके तो चलिए इसी उसी 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 दौर से पहले, अल्फ्रेड से पहले, ये जो आपका ओल्ड इंग्लिश है इसके कुछ हमको वो मिलते हैं, लिटरेचर मिलते हैं। इसमें एक एक है बेओवुल्फ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसी से कहा जाता है कि अल्फ्रेड द ग्रेट ने बहुत काम किया था ओल्ड इंग्लिश के लिए। और देखा जाए तो ओल्ड इंग्लिश में दोस्तों कई इसका इन्फ्लुएंस है, काफ़ी प्रभाव है, जैसे लैटिन का बहुत बड़ा प्रभाव है, स्कैंडिनेवियन का बहुत बड़ा प्रभाव है, तो ये जाकर स्लोली एंड ग्रेजुअली आज इंग्लिश लैंग्वेज हमारे सामने है। तो नॉर्मन कंक्वेस्ट है था, उसके बाद इसका जो ग्रोथ था कम्प्लीटली बिल्कुल रुक गया था, जब जब वो लोग आए थे कहाँ से, फ्रेंच लोगों ने इंग्लैंड पे अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया था। ओके दोस्तों, तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि ओल्ड इंग्लिश का दौर कैसा था, है ना। क्लियर है ना। ओल्ड इंग्लिश जब रोमन्स लोग चले गए, शॉर्ट में रोमन्स लोग भाग गए, तो तीन तीन ट्राइब्स, तीन प्रजा, तीन जातियां लोगों की वहां पर आई, अटैक किया उन्होंने। क्या थे वो? ज्यूट्स, सैक्सॉन्स और एंग्लिक्स, तीनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं एंग्लो सैक्सॉन्स। ये 449 या 450 टू 1066 तक ये लोग वहीं रहे, ठीक है। पहले तो मिलजुल कर रहे, फिर उन्होंने अपना वर्चस्व, चूंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने अपना हाथ उसमें ज़्यादा वो ऊपर कर लिया, अपना अपना वर्चस्व उसने बना लिया, और स्लोली एंड ग्रेजुअली। और ये भी हुआ कि जितने भी जो यूरोप से वो लोग आए थे, तो वहाँ से भी इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स का इन्फ्यूज़न हुआ। तो कहने का मतलब कि वो जो इंग्लिश लैंग्वेज वो इनरिच हो धीरे धीरे, हालांकि ज़्यादा नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो इनरिच होता चला गया। इसका इन्फ्लुएंस आपको स्कैंडिनेवियंस ने हमला किया, उसका भी उसको मतलब फ़ायदा हुआ, वहाँ से भी इनरिचमेंट मिला इसको, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश को, लैटिन से मिला, बहुत सारे वर्ड्स लैटिन के, स्कैंडिनेवियन के आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो इसी तरह जब थाउजेंड, और इसी बीच में अल्फ्रेड जो दो जो जो किंग था, उसने ओल्ड इंग्लिश पे बहुत ही काम किया, उसने लैटिन के किताबों को ट्रांसलेट करवाया किस में, ओल्ड इंग्लिश में। जब वो नहीं रहा 1066 में, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, फ्रेंच लोग आए, तो फिर ये जो ओल्ड इंग्लिश है उसका दौर करीब करीब बिल्कुल थम सा गया, स्टैंड स्टिल हो गया। फिर वो फ्रेंच का सिस्टम चला। वो लोग जितने भी ऑफिशियल चीज़ें थी वो अपनी भाषा में करते थे, लेकिन वो जो मासेस का जो लय वो जो भाषा थी वो इंग्लिश थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब समाज एक बिल्कुल सैचुरेट हुआ, तो इंग्लिश बोलने वालों की संख्या धीरे 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 ग्रो करने लगी। और अब ऐसा होने लगा कि लोग घर में तो ऐसा बोलते थे, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज उनका फ्रेंच हुआ करता था। तो चलिए इसी तरह से जो भी है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं दोस्तों। ये पेज नंबर हमारा स्टडी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 3 ओल्ड इंग्लिश का है ना, और ये है पेज नंबर, हम लोग आपको बता देते हैं, ये पेज नंबर है 12। ओके दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन 1 ट्रू फॉल्स है, तो हम लोग देख लेते हैं ट्रू या फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है, ओल्ड इंग्लिश इज नोन एज एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश। ऑफकोर्स जब रोमन्स लोग चले गए थे, जब लोग एंग्लो सैक्सन्स नहीं आए थे, तो वो जो वहाँ का दौर था वो एंग्लो सेल्टिक ही था। तो ये बिल्कुल ट्रू है, पहला वाला ट्रू है। क्लियर। बी, अब हम लोग बी की बात कर लेते हैं, ओल्ड इंग्लिश वॉज ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। नहीं, बिल्कुल भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी इसमें। सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं था। ओके दोस्तों,
हाँ वो कई तरह के उसमें लैंग्वेज थे, बहुत सारे लोग थे, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग उसमें इन्फ्यूज़ किया गया था, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं था। तो ये दूसरा वाला फॉल्स है। हम सी की बात कर लें दोस्तों, सी में तो राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट वी फाइंड टूडे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही उबाऊ था, है ना। सी हो गया दोस्तों। अब हम डी के बारे में बात कर लेते हैं। डी बोलते हैं स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन द ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी ऑल्सो इफेक्टेड टू द ग्रामेटिकल सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही, ट्रू है। द एरिया द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड वॉज वेरी बैड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। नो 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 नो, गलत बोल रहा है। अल्फ्रेड ने तो बहुत ही काम किया था ओल्ड इंग्लिश के लिए। उनने सारे टेक्स्ट को क्या किया था, अब क्या बोलते हैं, लैटिन से उनने क्या किया था, उनने ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था, बाहर बाहर से लोगों को मंगा करके, स्कॉलर्स को मंगा करके। तो ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है ना दोस्तों। तो हम ई की अगर बात करें तो ये फॉल्स है, कम्प्लीटली फॉल्स है, ये फॉल्स है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ये था क्वेश्चन नंबर वन। पहला बोल रहे दोस्तों, क्वेश्चन टू का पहला है, पहला बोला व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मल कॉन्केस्ट ऑन वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। कहते व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मल कॉन्केस्ट ऑन वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। ओके तो हम लोग लिखेंगे नॉर्मन कॉन्केस्ट। नॉर्मन व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्केस्ट ऑन वोकैबुलरी इंग्लिश। ओके, नॉर्मन कॉन्केस्ट्स लेफ्ट एन इम्प्रेशन। Norman conquest left an impression on the vocabulary of on the vocabulary of Norman conquest left an impression on the vocabulary of English, all English, of English or simply all English. Okay, English, है ना? क्यों? Because लैंग्वेज है ना, आप बोल रहे हैं नॉट लैंग्वेज एंड नॉर्मल कॉन्सेप्ट लेफ्ट एन इम्प्रेशन ऑन द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। हाँ, उसको लैंग्वेज मत लिखिए, यहाँ लिखते हैं बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच, ठीक है दोस्तों, लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स वर इन्फ्यूज्ड INFUSED वर इन्फ्यूज्ड इनटू द वोकैबुलरी बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स फॉर इन्फ्यूज इन टू द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश from Europe to mainland Britain. Okay, mainland Britain. तो इसका पहले का जो आंसर है दोस्तों,
Norman conquest left an impression on the vocabulary of English because a large number of French words were infused into the vocabulary of English from Europe to mainland Britain. क्लियर है. कहता है कि किस तरह से नॉर्मन कंक्वेस्ट ने इंग्लिश के वोकेबुलरी को इम्प्रेस किया, किस तरह से उसको इम्पैक्ट किया. तो बहुत अच्छी तरह से इम्पैक्ट किया क्योंकि इस दौरान जो जो वो लोग आए, क्या बोलते हैं, फ्रेंच लोग आए, उनने काफ़ी सारे जो वो लोग ये लाए थे, फ्रेंच के जो वर्ड्स थे वो इंग्लिश के वोकेबुलरी में डल गए. जो वो लोग कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे. कहाँ आए थे, मेनलैंड ब्रिटेन आए थे. ओके, क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं हम लोग. टू में क्या बोल रहा है, नेम द फोर डायलैक्ट्स ऑफ ऑल इंग्लिश. द फोर डायलैक्ट्स ऑफ ऑल इंग्लिश वर, कौन कौन से थे. हाँ दोस्तों, ये थे केंटिश थे, और नॉर्थम्ब्रियन, नॉर्थम्ब्रियन थे, मर्सियन थे, MERCIAN मर्सियन. ओके, मर्सियन थे, एंड फाइनली वेस्ट सैक्सन. द फोर डायलैक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन एंड वेस्ट सैक्सन. ठीक है दोस्तों, तीसरा में हम लोग बात कर लेते हैं. राइट द फीचर्स ऑफ द रूनिक कैरेक्टर्स. तो भैया रूनिक कैरेक्टर्स किस तरह से थे, है ना. रूनिक कैरेक्टर्स ये बिल्कुल सीधे सीधे वो हुआ करते थे. रूनिक कैरेक्टर्स कंपोज्ड ऑफ बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें होती थी, शार्प, एकदम सीधी सीधी लाइनें होती थी, शार्प, स्ट्रेट. ओके, रूनिक कैरेक्टर्स कंपोज्ड ऑफ शार्प, स्ट्रेट लाइंस विदाउट कर्वेचर, है ना, कर्वेचर. उसमें कर्व नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसमें टेढ़ा मेरा कुछ नहीं था. मैनी सच लेटर्स आर फाउंड ऑन वेपन्स एरोज स्वर्ड्स ओके एक्सेस एंड नाइफ हैंडल्स. ओके एटसेट्रा. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों. क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, नेम द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस इन द ओल्ड इंग्लिश. ओके, तो 4 में हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, है ना, नेम टू मेजर इन्फ्लुएंसेस, है ना, क्या बोल रहा है, इन्फ्लुएंसेस. तो द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस INFLUENCES, है ना, ओल्ड इंग्लिश वर
लैटिन इन्फ्लुएंस एंड स्कैंडिनेवियन स्कैंडी स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस. ओके क्लियर. ये थे स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस, है ना दोस्तों, बहुत अच्छी बात है. तो चलिए और एक लास्ट है बिल्कुल फाइनली, नेम टू मेजर ठीक है. फिफ्थ, नेम द फोर मैनुस्क्रिप्ट्स द ओल्ड इंग्लिश दैट हैव सर्वाइव्ड. ओके तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं नंबर फाइव. द फोर मैनुस्क्रिप्ट द फोर manuscripts that have survived you know, the four manuscripts that have survived manuscripts of old english yeah old english agar laga de of old english यहाँ लगा दिया आप ऑल इंग्लिश. द फोर मैनुस्क्रिप्ट ऑफ ऑल इंग्लिश दैट हैव सर्वाइव्ड आर बियो क्या नाम था उसका बियो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. द बियो वुल्फ ओके वन द जूनियर्स ओके जे यू एन आई एन आई यू एस. उसके बाद द एग्जीटर बुक ओके एंड फाइनली द वर्सेली बुक. तो यही हैं, यही चार हैं मैनुस्क्रिप्ट्स जो ओल्ड इंग्लिश का सर्वाइव किया हुआ है. तो चलिए दोस्तों यही थे कुछ इसका क्या बोलते हैं. तो बस ये ज़रूरी है कि आप कहानी समझिए ओल्ड इंग्लिश कैसे क्या हुआ. बस जो मैंने आपको बता दिया कि रोमन्स थे भाग गए, ये तीन जातियाँ आई एंग्लो सैक्सन्स, ये 449 या 452 1066 तक वो लोग वहाँ रहे. जो भी है वो यूरोप से आए थे, तो यूरोप से उसको क्या मिला, अंग्रेजी भाषा को बहुत सारे वर्ड्स वहाँ से मिले, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया जब तक उसका वहाँ राज रहा. चलिए उसके बाद थाउजेंड उससे पहले जब किंग ग्रेट अल्फ्रेड थे, उनने काफ़ी ओल्ड इंग्लिश के लिए काम किया, लैटिन बुक्स को उनने क्या किया ट्रांसलेट करवाया, बार बार से लोगों को मंगा करके भी ट्रांसलेट करवाया. तो ये गोल्डन पीरियड था ओल्ड इंग्लिश के लिए. फिर जब 1066 का ज़माना आया, जब नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ, जब फ्रेंच लोग यहाँ पर आए, तो फिर एक बार ओल्ड इंग्लिश दब गया, वो स्टैंड स्टिल में चला गया. हाँ लेकिन फ्रेंच के बहुत सारे वर्ड्स इधर आए, इंग्लिश की तरफ आए ज़रूर, तो मासेज में बोला जाने लगा, लेकिन अपर क्लासेस का जो बोलचाल था वो फ्रेंच था. स्लोली एंड ग्रेजुअली ये पूरा मासिस का एक ये बनता चला गया. तो चलिए इसमें जो इन्फ्लुएंस है, मेजर इन्फ्लुएंस है लैटिन इन्फ्लुएंस है, स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस इस ओल्ड इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा है. तो चलिए ये जो कुछ क्वेश्चंस था आप देख लिए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो बिल्कुल बनता है, ज़रूर कर दीजिएगा. और आपको वॉच करने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, बाय.